जैसे आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं डिग्गी बाजार में खड़ा हूँ। मदार साहब के उर्स के लिए हम लोग रवाना हो गए हैं। तो ये स्टेशन रोड है, स्टेशन रोड से होते हुए हम लोग जो है यहाँ पे ज़ियारत करके आ रहे हैं। मदार साहब का जो चिल्ला मुबारक है वो पहाड़ी के ऊपर है। हल्की हल्का बूंदा बांदी भी हो रही है। हाँ, आदि मोहम्मद चिश्ती। लोग पीछे देख सकते हैं, माशाल्लाह अजमेर शरीफ का बहुत ही प्यारा मंदिर। एक घंटा और अजमेर शरीफ आते हैं आप लोग, ज़ियारत पे आते हैं। और अगर आप लोग को यहाँ पे आना हो, पूरा होते हुए हम लोग यहाँ से होते हुए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमारे सब्सक्राइबर हमारे भाई मिले, क्या नाम भाई आपका? हम बहुत थक जाते हैं, उतरते थे हम फटाफट उतर जाते हैं। और अच्छा, कहाँ से देख सकते हैं, चिल्ला मुबारक मेरे जस्ट पीछे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने अभी फूल ले लिए, फूल पेश करने के लिए। अभी जितना हम लोग चढ़े अभी तक एक भी हम लोगों ने सीढ़ी नहीं देखी है। इन्हीं की ताकत से हम चढ़ते हैं, लेकिन हमारे अजमेर के भाई है सब। हाँ, यही है भाई। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। इंदौर से आके यहाँ पे भाई की लंगर बना रहे। भाई थोड़ा ध्यान से जी। जो भी करीनवाज ने आपको मक्का प्रणाम करे, आपके चैनल को अल्लाह आबाद रखे। झंडा हमने कल दिया है। चलो सलाम अलैकुम। ये जो मेला है, पूरा मेला लगता है बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त और भाई अजमेर दरगाह शरीफ खादिम मोहम्मद चिश्ती। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज के इस ब्लॉग के अंदर मैं आप लोगों को मदार टेकरी लेके जाऊंगा। जैसे आप लोगों को पता है, आज मदार साहब का उर्स है, और आज मदार साहब के उर्स के वक्त मैं आप लोगों को मिलेके जाऊंगा इंशाल्लाह। जैसे आप लोग देख सकते हैं पीछे, जो मदार साहब का जो चिल्ला मुबारक है वो पहाड़ी के ऊपर है। तो इंशाल्लाह अभी माशाल्लाह बहुत ही सुहाना मौसम हो गया है, बारिश हो रही है, तो मैं कोशिश करूँगा मैं आप लोग को लेके जाऊँ। और हज़रत जिंदा शाह मदार जो है माकनपुर में उनकी दरगाह है, आज उर्स है, उर्स मनाया जा रहा है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोग को पूरा तफसील से मैं बताऊँगा, यहाँ से शुरुआत से लेके आप लोग को अजमेर दरगाह शरीफ से ऊपर तक मदार साहब टेकरी तक पहुँचने के लिए क्या क्या रास्ता है, कैसे जाना है, मैं आप लोग को पूरा तफसील से बताऊँगा। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। और इस ब्लॉग में आप बने रहें। जैसे आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं डिग्गी बाज़ार में खड़ा हूँ, और यहाँ से कैसे आप लोग को जाना है मैं आप लोग को पूरा रास्ता मैं आप लोग को बताऊँगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे आप लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग मदार साहब के उर्स के लिए हम लोग रवाना हो गए हैं। और मदार टेकरी के ऊपर यहाँ पे कोकिला पहाड़ पे उनका मदार साहब का जो चिल्ला बना हुआ है, हम लोग आप लोग को वहाँ लेके जाएंगे। कोशिश करेंगे हम ऊपर तक चढ़ने के लिए पहाड़ी पे। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे अभी काफ़ी बारिश का मौसम है, और हमने तो इरादा तो बनाया है कि ऊपर चढ़ना है। तो वहाँ पे मेला लगता है, कैसा लगता है, क्या क्या मिलेगा आप लोग को देखने के लिए, मैं आप सबको तफसील से बताऊँ। मैंने सुना है कि मतलब वहाँ पर जो रास्ता है तो काफ़ी कच्चा रास्ता है, तो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा मैं आप लोग के लिए मैं ऊपर चढ़ूँ। अभी दिन के बज गए हैं 3, तो हम जल्दी जल्दी जाते हैं और आप लोग को जल्दी से ज़ियारत करवाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम लोग पहुंच गए हैं, डिग्गी बाज़ार से निकले थे। डिग्गी बाज़ार से होते हुए ये जो रास्ता जाता है मदार टेकरी के लिए, जैसे आप लोग अजमेर दरगाह शरीफ आते हैं ज़ियारत के लिए, और अगर आप लोग का जैसे टाइम के अनुसार आपके पास टाइम हो तो मदार टेकरी आपका जाने का मन हो, तो इस ब्लॉग में आप लोग को मैं पूरा डिटेल से बताऊँगा। ये आप देखिए, यहाँ पर ये स्टेशन रोड है, स्टेशन रोड से होते हुए जाएंगे हम। हज़रत बदीउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी उम्र मैं आपको बताऊंगा, माशाल्लाह औलिया अल्लाह की लिस्ट में उनका सबसे ज़्यादा शुमार होता है उम्र के अंदर लेना। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हम लोग अभी कचेरी रोड पहुंच गए हैं, और ये कचेरी रोड से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो रास्ता राइट में जा रहा है DRM ऑफिस, पटेल स्टेडियम, और ये जो रास्ता जा रहा है मंडल कार्यालय लिखा है यहाँ पे, ये रास्ते से आपको आना है सीधा सीधा। और ज़्यादा दूर नहीं है अजमेर दरगाह शरीफ से। अजमेर दरगाह शरीफ पूरा अजमेर जो है, पूरा सिटी जो है लगभग 12 किलोमीटर के अंदर ही है, तो कुछ ज़्यादा है नहीं दूर। अभी फटाफट हम लोग पहुँच रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह ज़ायरीन जो है यहाँ पे ज़ियारत करके आ गए हैं। हज़रत जो है पैदल चलते हुए आए हैं, और माशाल्लाह बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है। और दिसंबर के ये हफ्ते के अंदर, पहले हफ्ते के अंदर आप लोग देख सकते हैं कितनी ठंडक ऑलरेडी हो चुकी है, और मुझे पता है ये बारिश के बाद तो यहाँ पे ठंडक तो अभी और ठंड और शुरू हो जाएगी।
तो माशाल्लाह यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह लंगर आम हो रहा है यहाँ पे। ये यहाँ पे जो एरिया है कुंदन नगर का जो एरिया है, यहाँ से लेफ्ट जाता जो रास्ता कुंदन नगर का, तो हमें यहाँ से जाना है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पहाड़ है, पहाड़ी के ऊपर हजरत जिंदा शाह मदार की जो चिल्ला है, चिल्ला कशी जहाँ पे उन्होंने करी थी, वहाँ से हम लोग आप लोग को लेके जाएंगे। और ये जो एरिया है कुंदन नगर में ये, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी भीड़ अभी आपको दिखना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे काफी भीड़ है यहाँ पे माशाल्लाह। हजरत सैयद बदीउद्दीन कुतुबुल मदार साहब का आज उर्स है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने आप लोग को बताया, मैं आप लोग को पूरा आज जितना भी अजमेर दरगाह के अंदर और अजमेर शरीफ के अंदर और पूरे इंडिया के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, इंशाल्लाह मैं आप सब तक कोशिश करूंगा पहुंचाने के लिए। और अजमेर शरीफ से मैं इंशाल्लाह जो भी प्रोग्राम होंगे वो कोशिश करूंगा कि आप तक मैं सब प्रोग्राम पहुंचाऊं और आप लोग को मैं ज़्यारतें करवाऊं। हजरत जिंदा शाह मदार की जो चिल्ला है वो ऊपर है वहाँ पे, जैसे मैंने आप लोग को दिखाया। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी स्टॉल्स हैं, यहाँ पे लोगों ने काफ़ी स्टॉल लगाए हुए। तो खाने पीने का सब सामान मिलेगा, वाटरमेलन है, पाइनएप्पल है, ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स है वो आपको मिलेंगे, बच्चों का खेलने का सामान मिलेगा आपको। यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी दिसंबर का महीना है, अगले महीने इंशाल्लाह हुजूर गरीब नवाज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक, सालाना उर्स इंशाल्लाह आगाज़ होगा अगले महीने जनवरी 2024। इंशाल्लाह मैं आप लोग को पूरा प्रोग्राम आप लोग को जितने भी होंगे दरबार गरीब नवाज़ के अंदर से वो आप लोग सब तक मैं पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों ने अभी बाइक को हम लोगों ने पार्क कर दिया है क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा भीड़ है और बेहतर ये है कि हम लोग चलते हुए हम लोग जाएं और देखें और एक्सप्लोर करते हुए हम लोग आपको भी आप लोग तक पहुँचाएँ। और इनकी जो मन्नत है 40 दिन तक अजमेर शरीफ में रहेंगे, और मैं तो हमेशा जब भी इनसे मिलता मैं दुआ करता हूँ इनके लिए कि इनकी जो भी मन्नत है इनके दिल के अंदर वो पूरी कबूल मकबूल हो। दम मदार बेड़ा पार। अली भाई कहाँ है, सिराज भाई कहाँ है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेला भी लगता है। और ऊपर जाने का रास्ता भी यहीं से है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? है ना? कितने का समोसे? 10 के दो भाई। 10 के खाओगे? 10 के दो ले जाओ। नहीं यार, बहुत
मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ से ये शुरुआत होती है यहाँ से चढ़ने का। तो हम लोग यहाँ से अभी चढ़ना शुरू हो गए हैं। बहुत खड़ी चढ़ान है। हाँ दानिश भाई, बहुत खड़ी चढ़ान है, थोड़ा ध्यान से। और आज बारिश भी हो रही है, हल्की हल्का बूंदाबांदी भी हो रही है। हाँ आदि मोहम्मद चिश्ती, सब्सक्राइब कर लेना। खादिम मोहम्मद चिश्ती, खादिम मोहम्मद चिश्ती, खादिम मोहम्मद चिश्ती, आ जाओगे आप लोग ब्लॉग में। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये यहाँ पे सीढ़ियाँ यहाँ पे चढ़ने की शुरू हो चुकी है। और जब भी ये सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ ना, तो मुझे हाजी मलंग की याद आती है, जब हाजी मलंग पहाड़ पे चढ़ा था। आप चढ़े हो भाई ऊपर कभी? पहले गए हो? दो तीन बार हम रात में जाते हैं। अच्छा रात में? कैसा लगता? अच्छा लगता रात में जाने? अभी है ऊपर मस्तान लोग है। अंदर भाई मेरा चैनल है खादी मोहम्मद चिश्ती के नाम से, सब्सक्राइब कर। अच्छा अच्छा हम लोग दरगाह का खादी मुँह में अजमेर दरगाह शरीफ का इंशाल्लाह। ये पूरा ऐसा कच्चा रास्ता है क्या मोहम्मद सिकंदर भाई? पूरा ऐसे कच्चा रास्ता है? कितना देर लगेगा ऊपर चढ़ने के लिए? पौन घंटे में चढ़ जाएंगे। चलो इंशाल्लाह। देख सकते हैं आप, ये तो रास्ता तो बना भी नहीं है बिल्कुल भी, एकदम कच्चा रास्ता है। भाई कितना टाइम लगेगा ऊपर चढ़ने के लिए? टाइम लगेगा? अभी तो आप 5% भी नहीं आ रहे। अच्छा अच्छा अभी तो 5% भी नहीं। देखो जड़ जो है कैसे निकल रहे हैं यहाँ पे, इस पेड़ के सारे जड़ बाहर निकल रहे हैं। तो यही तो जड़ जो है वो पहाड़ों को फाड़ता है, जो फटता है ना पहाड़ों, इसकी वजह से फटता है। दम मदार बेड़ा पार। अरे भाई और बहनों, ये मैं और दानिश भाई हम लोग चढ़ते जा रहे। आप लोग पीछे देख सकते हैं माशाल्लाह अजमेर शरीफ का बहुत ही प्यारा मंजर। मैं आप लोग को इंशाल्लाह ऊपर से भी दिखाऊंगा कि कैसा मंजर रहता है ऊपर से। और मलंग लोग भी हैं ऊपर, तो उनसे भी इंशाल्लाह मिलाने की कोशिश करेंगे। और भाई कैसे? आप लोग देख सकते हैं अजमेर शरीफ का मंदिर ऊपर से, मैं पहाड़ पे चढ़ रही हूं। यहाँ से ना सब दिखता है, आना सागर, तारागढ़। पर अभी बहुत ज्यादा फॉग और क्लाउड्स होने के चक्कर में शायद दिखेगा नहीं। कितनी देर लगी हम आपको ऊपर पहुँचने के लिए? कितना देर? एक घंटा? एक घंटे में पहुँच जाएंगे? चलिए अम्मा शुक्रिया बहुत। अच्छा कितना देर ऊपर जाने के लिए? और एक घंटा और? अरे भाई और बहनों, जैसे आप लोग देख सकते हैं अभी 3:30 बज गए हैं और हम लोग निकले थे 3 बजे डिक्की बाजार से। तो अभी हम लोग काफी, आप लोग दिखा सकते हैं दानिश भाई वहाँ पे पीछे दिखा दो। तो आइए आप लोग को ऊपर लेके जाते, ज़ियारत कराते। चलो 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 माशाल्लाह। देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग थोड़ा थोड़ा एक ब्रेक लेते हुए आराम करते हुए। भाई भी यहाँ पे थोड़ा आराम कर रहे हैं। क्या नाम है, क्या नाम है भाई आपका? शानू। शानू भाई कितना देर है और ऊपर चढ़ने के लिए? अभी 2 किलोमीटर और ऊपर। 2 किलोमीटर कितना? आधे घंटे में पहुँच जाएंगे? आधा घंटा लगेगा चलने के ऊपर है। चलो जल्दी जाते हैं ताकि फिर क्या अंधेरा भी हो जाएगा फिर। आ जाओ दानिश भाई। ये पूरा डिटेल से मैं आप लोग को बता रहा हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि ऊपर मदार साहब की टेकरी पे कैसे चढ़ना है। अजमेर शरीफ आते हैं
आप लोग ज़ियारत पे आते हैं, और अगर आप लोग को यहाँ पे आना हो तो ये पूरा रास्ता मैंने आप लोग को पूरा ब्लॉग के अंदर बताया। तो आइए, मेरी सांस जो है ना फूलना शुरू हो चुकी है, और अभी भी आधे घंटे का और वक्त है पहुंचने के लिए ऊपर, तो जल्दी जल्दी जाते हैं। 3:30 ही बज रहे, कोशिश करते कि 4 बजे तक आप लोग को ऊपर लेके जाए और ऊपर से आप लोग को ज़ियारत कराए। आइए, अभी हम लोग आधा रास्ता पहुंच गए, अभी भी पूरा आधा रास्ता चढ़ना बचा है। ये हमारे दानिश भाई बहुत थक गए, ये तो ज़्यादा चढ़ान है भी नहीं, मतलब जो हाजी मलंग की जितनी चढ़ान चढ़ा मैं उस जितनी चढ़ान तो मैं आज तक कभी चढ़ा नहीं कहीं पे। ये कच्ची रास्ता है। हाँ, ये कच्चा है, पक्का भी नहीं यहाँ पे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग देख सकते हैं हम लोग वहाँ से चढ़ते हुए, हम आए तो वहाँ से पूरा अजमेर दरगाह शरीफ वो साइड में पूरा होते हुए हम लोग यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँचे थे, और यहाँ से पूरा रास्ता हम लोग चढ़े, कच्चा रास्ता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमारे सब्सक्राइबर हमारे भाई मिले, क्या नाम भाई आपका? कुतुबुद्दीन भाई हमारे सब्सक्राइबर है, बिनासरी पढ़ के आ रहे हैं। जी जी, चिल्ला बड़े पीर का जी, जोर की नमाज पढ़ते हैं वहाँ पर। हाँ, हमारे उस्ताद सब बिनासरी पढ़ के नीचे जाएंगे। हाँ, नीचे बिनासरी पढ़ेंगे, उसके मस्जिद इस्लामाबाद जाएंगे। अच्छा अच्छा, हर साल का ये प्रोग्राम रहता है हमारा, माशाल्लाह। तो मिलाद शरीफ कहाँ पढ़ोगे अभी? पढ़ चुके हो? अच्छा, पढ़ के आ गए, अभी नीचे पढ़ेंगे, नीचे वाले मिलाद शरीफ में। अच्छा अच्छा, वहाँ कितने बजे पढ़ोगे? असर के टाइम, असर की नमाज बाद पढ़ेंगे, फिर मस्जिद बाद। हाँ, उसके बाद प्रोग्राम होगा जाने। तो बताओ भाई, अपने मेरे जो चैनल है, आपने वीडियोज देखे, कैसे लगते हैं आपको मेरे वीडियो? अच्छी वीडियो बनाते हैं दरगाह इलाके की, दरगाह गुम्बद जहाँ जहाँ उरूस होते हैं आप जाते हैं, बहुत अच्छी वीडियो चलती है जी। आपकी आवाज़ भी माशाल्लाह अच्छी है जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। खाजा जी आपको खुश रखे भाई, और मिलते हैं भाई फिर इंशाल्लाह, है ना? चलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अच्छा लगता है ऐसे माशाल्लाह सामने से जब कोई बोलता है कि हम आपके वीडियोज़ ब्लॉग्स देखते हैं। तो मैं ये सब जो भी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सब आप लोग के लिए कर रहा हूँ। खाओगे? तो क्या प्लेट दे रहे हो भाई? 20 और 30 टिक्की ले, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टिक्की बेच रहे हैं। पानी पियोगे? चलो ऊपर जाके, चलो फिर ऊपर जाके पहुँच के चाय पियेंगे, चाय और पानी ऊपर जाके। यू नो कैसे अदर से बहुत धीरे धीरे, आराम आराम से आइए, आराम आराम से आइए अम्मा, आराम आराम से, बच्चे हाथ में आराम आराम से उतरिए, कोई जल्दी नहीं है जी भाई। YouTube चैनल है खादिम मोहम्मद चिश्ती अजमेर शरीफ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोग को एक्सक्लूसिव लाइव में आप लोग को नज़ारे दिखा रहा हूँ। अम्मा आराम से, आराम से बहन, आराम से आइए। हेलो, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ चढ़ने का, सिर्फ या तो चढ़ जाओ या तो उतर जाओ, एक ही रास्ता है, आने जाने का रास्ता भी नहीं। इतनी पतली जगह है चढ़ने के लिए, वो भी आप लोग देख सकते हैं, पूरी कच्ची जगह है, पूरी कच्ची जगह है। आप चढ़ के आ गए हजरत, कैसा लगा ऊपर चढ़ के आने पे? शाहरुख भाई, शाहरुख भाई बताओ भाई कैसा लगा? वालेकुम सलाम भाई, ये मेरा चैनल खादिम मोहम्मद चिश्ती ब्लॉगर जी भाई, सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। अजमेर दरगाह शरीफ से जितने भी प्रोग्राम होते वो सारे प्रोग्राम मैं लाइव पहुँचाता हूँ लोगों तक, ठीक है? दम मदार बेड़ा पार, खादिम मोहम्मद चिश्ती ब्लॉगर। चलो अस्सलाम वालेकुम, चलो ये रास्ता हमारा खाली हुआ, और इसी जगहों पे मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई जल्दबाजी नहीं करे ताकि कोई फिसल के गिर ना जाए, जैसे आप लोग देख सकते हैं जान का खतरा है, जल्दबाजी में कुछ होना नहीं है। तो आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पे फैमिलीज सब यहाँ पे ज्यारत करके आ गए भाई, ज्यारत करके आ गए भाई। भीड़ है ऊपर की नहीं है? कितनी भीड़ है? हाँ भाई, आदमी बना रहे हैं। हाँ, व्लॉग बन रहा है मेरा। हाँ भाई। चलो भाई, भाई क्या नाम से? खादिम मोहम्मद चिश्ती ब्लॉगर यूट्यूब। आपका क्या नाम है चैनल का भाई? केजीएन मुशर्रफ। केजीएन मुशर्रफ, हाँ आओ इधर आओ, आपको भी ले लेता हूँ मेरे चैनल पे।
तो ये हमारे भाई है केजीएम मुशर्रफ। कहाँ से हो भाई आप? यूपी बरेली से ही पाला। अच्छा अच्छा बरेली से आए। मैं भी बरेली में ही था वहाँ पे। अच्छा हाँ, अभी तो यही रह रहा हूँ, 15 साल हो गए। अच्छा 15 साल, माशाल्लाह। मैं अभी बरेली गया था, ज्यारतों पे गया था, बरेली, फरीदपुर, तिलहर। मेरे चैनल पे सब आप लोग को वीडियोस दिखेंगे अलग अलग दरगाहों की। अच्छा आप क्या बनाते हो भाई आपके ब्लॉग में? दरगाह की वीडियो, ज्यारत कराते लोगों की। अच्छा अच्छा हाँ भाई, कैसे हो भाई, क्या नाम है आपका? तेज बोलो यार, आवाज नहीं आ रही है। अब भाई कहाँ से आओ फैजान भाई? अच्छा अजमेर से ही। खादिम मोहम्मद चिश्ती, जाते ही टाइप कर लेना, आपको आ जाएगा सामने वीडियोस। दममदार बेड़ा पार, दममदार बेड़ा पार। यहाँ पे सब आराम कर रहे हैं, बीच बीच रास्ते में थक गए हैं सब। थक गए भाई? ऊपर चढ़ रहे हो कि अभी चढ़ने जा रहे हो? कपड़े सबने एक जैसे पहने माशाल्लाह। सब भाई हो? सगे? चाचा ताया? अल्लाह खुश रखे आप लोग को सबको, या अल्लाह पाक। और भाई दम मदार बेड़ा पार। क्या नाम है भाई आपका? यूपी से मुन्ना भाई। अच्छा दरगाह पे आए थे ज़ियारत पे? हाँ। अच्छा अच्छा नहीं नहीं धंधा लगाते माशाल्लाह। क्या काम करते हो उधर अजमेर में? कोट का ठेले पे। कोट? हाँ। कौन सा कोट? ये ब्लेजर जो आता है। अच्छा अच्छा ब्लेजर जो है तो थैले पे चलता है कोट का? हाँ। अच्छा क्या कितने में बेचते हो आप ब्लेजर? 200 रुपए में? हाँ। पूरा लंबा आस्तीन वाला? लंबा आस्तीन वाला। तो 200 रुपए में कैसे पड़ता आपको? 150 का पड़ता है। अच्छा 50 का कम मिल जाता आपको माशाल्लाह। दिल्ली गेट पे बताओ किधर है आपकी दुकान? दिल्ली गेट पे पहले शुरुआत में लगाते हैं। अच्छा 9 बजे के बाद। मलंग साहब है, कहाँ से आप? ये हम मुंबई से है। और मदार साहब के बारे में बताइए। मदार माशाल्लाह दम मदार बेड़ा पार सरकार जाने मन जन्नती है। मकनपुर शरीफ में उनका छिल्ला ये यहाँ है और छिल्ले पे चढ़ रहे हैं। आप लोगों के रहमो करम करे, आपके चैनल को अल्लाह आबाद रखे। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह खूब आप अच्छे काम कर रहे हैं, इस अच्छे काम के मेरे दम मदार सरकार आपको खूब देंगे और इनका अजर नजर कल्ब रोजे महशर तक के रहेंगे। 1, 2, 3, 4 मोहम्मद दम मदार बेड़ा पार, दम मदार बेड़ा पार। नाम बताओ आपका? मेरा नाम मोती शाह है सर। हम बिहार के रहने वाले हैं और कादरिया सिलसिले से, दम मदार सिलसिले से मैं मुरीद हूँ। मेरा भाई, मेरा खानदान उसी के टुकड़ों पे पल है। और मेरा रहमत अली शाह दिल्ली में खनका है उनका, और वो बहुत बड़ा मदार सरकार का मतलब खलीफा है। उनको खिलाफत मिली हुई है, वो बहुत फैज बांट रहे हैं दिल्ली में है खनका, तूजा कॉलोनी में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम लोग लगभग आधे से ज़्यादा रास्ता पहुंच गए। और भाई कैसे? बस और बस। कहाँ से हो भाई आप? जिलावड़ा से। उड़ा जिलावड़ा। कैसा लगा ऊपर जाके? खादिम मोहम्मद चिश्ती सब्सक्राइब कर लेना। ठीक भाई, ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। और भाई कैसे सर? भाई आराम से, बच्चों के साथ हो, आराम से उतरना आप। या अल्लाह, अब पूरा मैदान खाली है भाई। पहुंच गए? पहुंच गए। ये लोग आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही खड़ी उतार है और चढ़ान भी है। यहाँ पे रास्ते पे अपन ने कितना रास्ता बताया जहाँ पे सिर्फ आने जाने का एक ही रास्ता है। ये लोग आप देख सकते हैं, ये जब तक ये लोग सब नहीं उतरेंगे हम लोग नहीं चढ़ पाएंगे। कैसा लगा भाई ज़ियारत करके? मजा आता है, चलते चलते क्या कोई तो थक जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं, जाते थे हम। अच्छा कहाँ से आए भाई? मैं श्रीनगर फैसलगढ़ रोड काली के मिले गोशी मोहल्ला। अरे माशाल्लाह, पूरा एड्रेस ही दे दिया आपके। पहुँच जाओ, पहुँच जाता मैं आपके घर पे। अल्लाह हाफिज़ भाई। भाई ने पूरा एड्रेस ही दे दिया।
तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम लोग हज़रत मदार साहब जो है, जिनका चिल्ला मुबारक है मदार टेकरी के नाम से, अजमेर दरगाह अजमेर शरीफ के अंदर, यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर होगा शहर से। आप लोग पीछे देख सकते हैं पूरा फॉग हो रहा है पीछे, नहीं तो यहाँ पे आज बहुत ही अच्छा खूबसूरत मंजर दिखता आप लोग को अजमेर शरीफ का। पूरा अजमेर आपको दिखता, आप लोग को तारागढ़ दिखता यहाँ से, और आप लोग को फाइसागर भी दिख जाता, सब दिख जाता है यहाँ से। तो आइए आप लोग को ऊपर हम लोग लेके जाते हैं। थक गए थोड़ा सा, एक अभी ब्रेक ले रहे हैं, 2 मिनट का ब्रेक लेके फिर हम लोग ऊपर कंप्लीट करते हैं, आप लोग को पूरा ज़ियारत कराते हैं ब्लॉग के जरिए। तो चले दानिश भाई। असाय अम्मा, हम तो है अंदर कोट। कहाँ से आए आप? अंदर कोट। अच्छा, अंदर कोट से। माशाल्लाह, आपकी क्या उम्र है? आ जाओ चलते चलते बात करते हैं। नहीं नहीं, ज़्यादा होगी आपकी तो। हाँ, 25 साल से 45 साल हो गया है इनकी तो, 80 के आसपास होगी। कोई बात है तो बहुत कमाल की बात है। माशाल्लाह, ये आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कैसे लकड़ी लेके ऊपर चढ़ते जा रही है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग पहुंच गए हजरत बदीउद्दीन सैयद रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ले मुबारक पे, और जैसे आप लोग देख सकते हैं चिल्ला मुबारक मेरे जस्ट पीछे। हम लोगों ने आप लोग को इस ब्लॉग के जरिए पूरा बताया कि आप लोग को अजमेर शरीफ दरगाह से, डिक्की बाजार से आपको यहाँ तक कैसे आना है, पूरा मैंने आप लोग को डिटेल से रास्ता बताया। तो अभी हम लोग आगे चलेंगे ज़ियारत पे, चिल्ले मुबारक की ज़ियारत करेंगे, उनकी करामात के बारे में बताएंगे, हज़रत बदीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कितनी उम्र थी वो भी आपको तफसील से हम लोग बताएंगे। तो चलिए प्यारे भाई और बहनों, हमने अभी फूल ले लिए, फूल पेश करने के लिए। क्या नाम है भाई आपका? अनवर भाई। कहाँ से हो आप? अजमेर से। अच्छा, अजमेर से। अच्छा, अपनी फूल की दुकान है अंदर? अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। चलो फिर मेले मेले में मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं व्लॉग्स बनाता हूँ खादिम अजमेर दरगाह, खादिम मोहम्मद चिश्ती के नाम से। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? शब्बीर भाई। कहाँ से हो? माशाल्लाह, क्या नाम? शब्बीर भाई, कहाँ से हो? अच्छा अच्छा, तो ये व्लॉग आप देख लेना मेरे चैनल पे, खादिम मोहम्मद चिश्ती व्लॉग पे। देखा आपने कभी पहले? वीडियो देखे? चलो उस पर ही देख लेना, इंशाल्लाह डाल दूंगा अगले आने वाले 3-4 दिन में। तो ये हमारे फूल है दानिश भाई के हाथ में, और जाके अभी हम लोग पेश कर देते हैं। चलो भाई, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अजमेर शरीफ के अंदर आपको ये ऐसा मंजर कहीं नहीं देखने मिलेगा, है कि नहीं भाई? आपको ऐसे लगेगा कि आप लोग एक हिल स्टेशन पे आ गए हो, जैसे महाबलेश्वर है और कौन कौन से हिल स्टेशन है, हाजी मलंग पहाड़ है। और देखिए आप मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ तक अभी जितना हम लोग चढ़े हैं, अभी तक एक भी हम लोगों ने सीढ़ी नहीं देखी है, एक भी सीढ़ी नहीं है। ये सारे के सारे सिर्फ पत्थरों के ऊपर बनी हुई है रास्ते, पूरे पहाड़ के ऊपर रास्ता बना हुआ है ये। और मियाँ कैसे हो? खैरियत? आप लोग देख सकते हैं काफी धुंधला हो रहा है, क्योंकि आज सुबह से माशाल्लाह अजमेर शरीफ के अंदर बहुत काफी बारिश हो रही थी आज, और ये दिसंबर का पहला हफ्ता है। और हम लोग लगभग पहुंच गए हैं यहाँ पे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग हजरत बदीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ले मुबारक पे पहुंच गए हैं, और जैसे आप लोग को मैंने पूरा रास्ता बताया, यहाँ पे हम लोगों ने फूल लिए पेश करने के लिए। ये मज़ार या दरगाह नहीं है, ये सिर्फ एक चिल्ला है जहाँ पे हजरत बदीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पे चिल्ला कशी करी थी। उनकी जो उम्र 596 साल की उम्र थी, औलिया अल्लाह की जो लिस्ट है उसके अंदर वो उनमें से गिने जाते हैं जो सबसे ज़्यादा उम्र जिन्होंने जिया है औलिया अल्लाह में। तो माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं 596 साल की उम्र उन्होंने जी है माशाल्लाह, तो कितने पाक बुजुर्ग होंगे। और अभी हम लोग आ गए हैं चिल्ले मुबारक पे,
और ये मेरा पहली बार है, मैं अजमेर शरीफ से ही, आपको पता है अजमेर दरगाह खादिम हूँ और मैं पहली बार खुद यहाँ पे आया हूँ, मेरा कभी आना नहीं हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं व्लॉग्स के लिए, आप लोग के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आप लोग के लिए मैं यहाँ तक पहुँच गया। और चिल्ला मुबारक आप लोग देख सकते हैं गुम्बद यहाँ पे, अजमेर शरीफ का जो गुम्बद है दरगाह शरीफ का, उस जैसा गुम्बद यहाँ बनाया हुआ है। तो आइए आप लोग को लेके चलते हैं, आ जाइए दानिश भाई। जल्दी 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 आ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आ गए हम लोग हजरत बदीउद्दीन शाह रहमतुल्लाह के चिल्ले मुबारक पे, आप लोग को लेके चलते हैं ज़ियारत पे, ज़ियारत करा देते हैं। पहले तो हम लोग अंदर ज़ियारत कर लेते हैं, फिर बाहर का मैं आप लोग को मंजर दिखा देता हूँ। आ जाओ भाई ज़ियारत पे, आ जाओ साथ में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आ जाओ। हम लोग पहुंच गए चिल्ले मुबारक पे, हजरत बदीउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ले मुबारक पे, आप लोग को मैं अंदर से ज़ियारत करा देता हूँ। काफ़ी अंधेरा है पर फिर भी आप अंदर आ जाइए। हेलो भाई, हम लोग फूल पेश करेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। आप अपने हाथ से पेश कर दो। बिस्मिल्लाह। दमदार बेड़ा पार। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने आप लोग को बताया अजमेर दरगाह शरीफ खादिम हूँ और मैंने आप लोग को पूरा यहाँ पे दम मदार साहब का जो चिल्ला है मैं आप लोग को लेकर आया हूँ। पूरा रास्ता मैंने आपको बताया, आप लोग डिग्गी बाजार से आप लोग निकलते हैं तो आप लोग यहाँ तक कैसे पहुँचना, आपको पूरा रास्ता मैंने आप लोग को तफसील से बताया। तो ज़्यारत कर सकते हैं आप। चलो तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मैंने आप लोग को मदार साहब चिल्ला जो है मदार टेकरी के नाम से मशहूर है, आप लोग अजमेर जब आते हैं ज़ियारत पे तो आप लोग को नहीं पता कि यहाँ पे कितनी जगहें हैं यहाँ पे जाने के लिए ज़ियारत पे। आप लोग अजमेर शरीफ आते हैं ज़ियारत पे करके चले आते हैं तो आप लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए कि अजमेर शरीफ के आसपास के इलाकों में और कितनी जगह है। और अगर आपके पास वक्त हो, वक्त के अनुसार, तो आप लोग यहाँ पे आएँ, कोशिश करें यहाँ पे मदार साहब जो है इनका चिल्ला मुबारक है, आप यहाँ पे आके आप ज़ियारत करें। आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पे जो गुम्बद है माशाल्लाह यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी ज़ायरीन भी आए हुए हैं ज़ियारत करने के लिए। हाँ दुआ करके आ जाओ भाई, मैं इधर ही खड़ा हूँ। अरे सलाम अलैकुम, और कैसे आप? और कौन आए? बस अभी अकेला आया हूँ मैं। बिस्मिल्लाह।
हाँ देख रहे हो आप कि नहीं मेरे व्लॉग, देख आप आ रहे हो ना मेरे चैनल पे, आप आओगे वीडियो पे आ जाओगे। और जी जी हमें दिखाना, उनको बोल देना थोड़ा मेरा भी ले लो। हाँ हाँ बताओ आप मदार साहब के बारे में कुछ बताइए। दम मजार बेड़ा पार है जी, या आप जो कोई भी आता है जी वो खाली नहीं जाता है, हर मुराद पूरी होती बेशक, है बेशक बेशक बेशक, नाम लेते ही हर परेशानी दूर हो जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह दम मदार बेड़ा पार, दम बेड़ा बेड़ा पार है। और इन्हीं की वजह, इन्हीं की ताकत से हम चढ़ते हैं, लेकिन हमारी कोई ताकत नहीं। बेशक बेशक इतनी खड़ी चढ़ान है, हम जैसे जवान लोग थक जाते हैं, आप देखो माशाल्लाह दम मदार। मैं मलिया लेके चढ़ी हूँ लेकिन मेरे को कोई थकान नहीं, माशाल्लाह करम है बहुत बड़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे। या और आप इनके बारे में कुछ बताना चाहोगे तो बता सकते हैं। मतलब हम तो कई सालों से यहाँ आना चाह रहे थे जी, लेकिन ना नीचे से होके जाते थे, इनके चिल्ले पे से होके जाते थे जी जी जी, लेकिन जो भी मैंने इनसे मांगा ना जी वो मेरे को मिला इनके सदके तुफैल में। माशाल्लाह तुफैल के सदके में माशाल्लाह, इनकी दुआओं से माशाल्लाह, अल्लाह के करम से बहुत बड़े गरीब नवाज की दुआ से, भाई बेशक सबकी दुआओं से बेड़ा पार है हमारा और बेड़ा पार ही रहेगा। बेड़ा पार इंशाल्लाह हम सबका बेड़ा पार हो। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर, आइए घर पे आइए इंशाल्लाह। ठीक है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे भाई लोग यहाँ पे थोड़ा फोटो वोटो थोड़ा स्टाइल में क्या नाम है भाई आपका? अनस शुएब। अनस शुएब और अहमद भाई, कहाँ से आप लोग? अच्छा अजमेर से। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, ये मेरे चैनल पे आ जाओगे आप लोग? आएंगे इंशाल्लाह जरूर। इंशाल्लाह भाई ये जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह अजमेर के जितने भी लोग हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही नेक दिल लोग हैं, बहुत हमेशा जब भी देखो हंसते रहते हैं, हमारे अजमेर के भाई है सब। कैसा लग रहा है आपको दानिश भाई इधर? मगर तकलीफ हुआ थोड़ा आने में जी, मगर यहाँ आके पहुँचने के बाद बहुत अच्छा लगा। हाँ यही है भाई, खादिम मोहम्मद चिश्ती, जजाकला शुक्रिया भाई। शेयर करना भाई सबको, आपके आप ग्रुप्स में सबको शेयर करना, आप लोग भी आओगे चैनल पे इंशाल्लाह। क्या नाम है भाई आपका? ताबीज। ताबीज भाई चलो अल्लाह खुश रखे आपको। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों आप लोग देख सकते हैं मैंने आप लोग को पूरा आज का नज़ारा बताया, मंजर क्या है आज का, मदार साहब का उर्स है माशाल्लाह, यहाँ पे सब लंगर आम चालू है, लंगर बट रहा है यहाँ पे। और यह खादिम मोहम्मद चिश्ती आप डालोगे यहाँ पे आवाज़ में डालोगे तो भी आ जाएगा। इसको आप है ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, तो इससे क्या आपको सारे जितने भी मेरे व्लॉग है ना वो आपको सबसे पहले पहुँचेंगे। और व्लॉग्स को आप पूरा देखो, स्किप कर करके मत देखो, पूरा देखो व्लॉग को। मैं कोशिश करूँगा परसों तक डालने। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लंगर आम का एहतमाम हो रहा है यहाँ पे। हाँ माशाल्लाह। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंदौर से आके यहाँ पे भाई की लंगर बना रहे। अच्छा ये पूरा लंगर आपके तरफ से इंदौर से, तो आप मेहमानों की इधर इधर रहते हो? अच्छा अच्छा खाओगे दानिश भाई लंगर? खाओगे? खा लो थोड़ा लंगर अपने दानिश भाई को खिला दो, दाल है थोड़ा, चलो मेरे को भी दे दो थोड़ा, हम भी लंगर चकले आप यहाँ का फैज, हम भी पाले लंगर खा के। और खा के बताना दानिश भाई लंगर तो माशाल्लाह बिना बोले अच्छा ही होएगा। बस भाई जजाकल्ला, बस 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 जजाकल्ला, बस इतना ही। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक भाई यहाँ पे हर साल आप करते हो? जी नहीं, हमारा पूरा ग्रुप है, पूरा ग्रुप है, इंदौर से आके आप लोग करते हैं। कौन सा? मौला मदद गुरु। मौला मदद, क्या बात है, दम मदार बेड़ा पार। नहीं ऐसे ही पी लूंगा, बस ऐसे ही पी लेंगे बस, जजाकल्ला। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रोटी का भी इंतजाम किया हुआ है भाई ने, और यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं सब जायरीन ज्यारत के लिए, ताकि उन लोग का भी जैसे दिन का वक्त है तो खाने का थोड़ा लंगर का एहतमाम भी किया हुआ है।
आ जाओ बहन आ जाओ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ज़ायरीनों का जो सिलसिला है यहाँ पे पूरा दिन चलता रहता है, पूरा दिन यहाँ पे सब ज़ायरीन आते जाते रहते हैं। और ये यहाँ पे थोड़ा खतरे का काम कर रहे हैं यहाँ के बच्चे लोग। भाई थोड़ा ध्यान से हाँ भाई, वालेकुम सलाम। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमारे भाई है और मदार टेकरी के खादिम साहब है। खादिम भाई, आपका क्या नाम है? आबाद अली भाई, आप ये बताइए यहाँ पे उर्स कब होता है, यहाँ पे कब मनाया जाता है? मदार की चांद की 17 तारीख। चांद की 17 तारीख जब मक्कनपुर में होता है उसी टाइम यहाँ होता है, सेम दिन पे। हाँ। अच्छा अच्छा, और आप मदार साहब के बारे में डिटेल में, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए। जैसे मतलब हिस्ट्री तो ये है कि यहाँ जो अजमेर शरीफ है जी, यहाँ आप मदार पाक का चिल्ला शरीफ है जी, जहाँ गरी नवाज से 30 साल पहले आपने यहाँ कयाम करा था जी। जब गरी नवाज अजमेर के अंदर आया तो सबसे पहले आपसे मिलने के लिए यहाँ मुलाकात करने के लिए आया जी। फिर आपने मुलाकात करने के बाद फिर गरी नवाज से उनकी अल्लाह जाने क्या इनमें हुई जी, जो फिर गरी नवाज ने आपको मक्कनपुर भेजा जी जी जी। गरी नवाज के कहने से आप वहाँ पे गए मक्कनपुर, गया इस्लाम के लिए। आपने बोला गरी नवाज को कि मैं सब जगह जाकर आ गया, ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम नहीं गए जी माशाल्लाह। अब तुम्हारे नजर में कोई जगह हो तो हमारे को ये बताओ, हमारी जरूरत हो वहाँ पर। तो आपने बोला मक्कनपुर जाओ, एक मखना देव है उसको खत्म करना आपको। आप सरकार वहाँ गए, मखना देव को खत्म करा। और वैसे तो इनके हिंदुस्तान में 444 जगह चिल्ला शरीफ है, पूरी वर्ल्ड में वैसे तो हिंदुस्तान में 444 जगह चिल्ला शरीफ, पाकिस्तान और बांग्लादेश सब जगह पे भी, अफगानिस्तान देखे हमने, वो तो अलग 600 से बाहर है वैसे तो जी जी जी। बाकी हिंदुस्तान हिंदुस्तान के अंदर 444 जगह माशाल्लाह। और मदार साहब का पूरा नाम? अजय सैयद बदीउद्दीन कुतुबुल मदार, बेशक दम मदार बेड़ा पर। और उनकी उम्र के बारे में आप बता दीजिए, उनकी उम्र? उनकी 596 साल। 596 साल। और उन्होंने रोजे कितने साल तक रखे थे? मतलब आपने 11 साल की उम्र में रोजे रखे थे, उसके बाद ना कुछ खाया ना कुछ पिया माशाल्लाह। तो ये हमारे भाई जान जो है यहाँ पे खादिम साहब है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे से बात करी और हमको पूरा आपने डिटेल से बताया। और हमारे चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर है व्यूअर्स हैं उन सब तक ये वीडियो पहुंचेगा और आपके ज़रिए से लोगों को इन्फॉर्मेशन और पे पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप पानी पिलाने का काम कर रहे थे यहाँ पे, बहुत बहुत जज़ाकल्ला भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, चलो भाई। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे हम लोग अभी मदार साहब के जो चिल्ले पर हम लोग आए थे, और मैं सच बताऊँ अभी दिन के जब 2 बज रहे थे तो काफ़ी बारिश हो रही थी, और एक टाइम तक ऐसा हो गया था कि हमारा जाने का प्लान जो है, आने का बुलावा ऐसा लग रहा नहीं हो रहा था। फिर पता नहीं अंदर से ऐसा कुछ एक आवाज़ आई कि नहीं तैयार हो और निकलो, है ना दानिश भाई? जी, जी, जी। और फिर हम लोग यहाँ पे माशाल्लाह आ गए हैं, ज़ियारत करके हम लोग अभी वापस रवाना हो गए हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हज़रत सैयद बदरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के हम लोग चिल्ले मुबारक पे जाके आ गए, हमने आप लोग को पूरी ज़ियारत करवा दी। और मेरे बस दिल में ये बात आ रही थी कि मैं आप लोग को बताऊं कि जैसे अजमेर शरीफ के अंदर इस वक्त अभी बहुत लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, तो आप ये मान के चले ये वीडियो भी अगर लाखों लोगों तक पहुँचता है तो आप लोग को ये तो पता होगा कि कम से कम आप लोग जब अजमेर शरीफ आते हैं और मदार साहब का जब उर्स होता है तो यहाँ पे एक दिन के लिए सिर्फ यहाँ पे उर्स मनाया जाता है ऊपर मदार साहब के चिल्ले पे। तो आप लोग तक अगर ये व्लॉग पहुँचे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि इस व्लॉग के ज़रिए लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे मदार साहब का उर्स मनाया जाता है। तो आप लोग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें इस व्लॉग को। और ये हमारे समीर भाई यहाँ पे आ गए हैं, वालेकुम सलाम। ये हमारे खादिम भाई है अजमेर दरगाह शरीफ के,
और भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अभी जा रहे हो ऊपर? जी हाँ, अभी जा रहे हैं ऊपर इंशाल्लाह ताला। जी, इस हद तक पहुँचने की कोशिश है। जी जी जी, सरकार मदद फरमाए और हमें चढ़ने की ताकत अता फरमाए। आमीन आमीन। चलो भाई मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हजरत जो है पानी का सबील लगा के पानी पिला रहे लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह आपको, शुक्रिया आपका। एक एक कतरे का जो आप पानी पिला रहे लोगों को यहाँ पे, इंशाल्लाह अल्लाह उसका आपको अजर दे आपको इंशाल्लाह अल्लाह। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके ज़बान पे जो है ना हमेशा दुआएं निकलती रहनी चाहिए। ये मैंने एक चीज़ सीखी है मेरी ज़िंदगी में कि आप सिर्फ अच्छा अच्छा बोलो, दुआ दो, और कभी ना कभी कोई ना कोई दुआ तो कबूल होनी है। ये मैंने देखा है, ज़बान से अपन 10 चीज़ बोलते हैं, 10 चीज़ में से 8 चीज़ आप बोलो अच्छी चीज़ बोलो, 10 चीज़ बोलो वो 8 चीज़ कबूल होती है, बेशक है ना दानिश भाई? बेशक। तो इसलिए गलत बातें मत निकालो ज़बान से। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी शाम का वक्त हो गया है और हम लोग कुछ 3 बजे निकले थे डिग्गी बाज़ार से, और अभी बज गए 5:30, मगरिब का वक्त होने वाला है। तो माशाल्लाह 2.5 घंटे के अंदर आप लोग देख सकते हैं भीड़ भड़के के वक्त में हम लोग जाके भी आ गए। तो आप लोग अगर आप दरगाह शरीफ आते हैं ज़्यारत के लिए, अगर आप लोग को यहाँ आना हो तो मुश्किल से 1.5 घंटे के अंदर आप लोग की ये पूरी ज़्यारत ख़त्म हो जाएगी, आप लोग ऊपर जाके भी लौट आएंगे। तो भाई आप लोग को यहाँ शाम का मंज़र भी दिखा देते हैं। यहाँ का जो शाम का जो मंज़र है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह मस्जिद को भी पूरा सजा दिया गया है। हम लोगों ने आपको पहले तो मदार साहब का जो चिल्ला है ऊपर जो है पहाड़ पे, उसका मैंने आप लोग को ज़्यारत कराया। और यहाँ पे जो आप लोग को ये चिल्ला दिख रहा है दूसरा, ये भी चिल्ला मदार साहब का है। तो ये 2 चिल्ले हैं यहाँ पे जहाँ उन्होंने चिल्ला कशी करी थी। तो मैं आप लोग को वहाँ पे भी लेके चलता हूँ, ज़्यारत भी करा देता हूँ। आ गए, ये दूसरा चिल्ला है यहाँ पे मदार साहब का, आप लोग को मैं ज़्यारत करा देता। इंडिया अगरबत्ती गिरेंगी, इंडिया अगरबत्तियों को पकड़। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ का जो एरिया है पूरा, यहाँ पे मदार साहब ने हज़रत बदीउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पे चिल्ला कशी करी थी। और जैसे मैंने आप लोग को बताया उनकी जो उम्र थी 596 साल की उम्र में, उन्होंने 556 साल के तो माशाल्लाह रोज़े रखे थे। और ये माशाल्लाह ये वही मुबारक जगह है अजमेर शरीफ के अंदर जहाँ हुजूर करीम नवाज़ ने मदार साहब को इशारे में बोला था, और जब वो आए थे उनसे मिले थे तो उनको उन्होंने बताया था कि आप मकनपुर जाइए और वहाँ पे आप तबलीग करिए इस्लाम का। तो वो इसलिए वो वहाँ पे गए थे। और उनका जो आज जो मज़ार है, जो उनकी जो दरगाह है हज़रत बदीउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की, तो वो है मक्कनपुर यूपी के अंदर। इंशाल्लाह मैं अगले कोई एक ब्लॉग, जब भी मेरा यूपी ज़्यारत वापस जाना होगा तो इंशाल्लाह मैं आप लोग को वहाँ पे ज़्यारतों पे लेके जाऊँगा। अगर चिल्ला कौन सा है? ये वाला है। और ये क्या है? अच्छा मलंग, मलंग बाबा का मज़ार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम बालों का मज़ार। ये बालों का है। अच्छा उनका वहाँ पे, और यहाँ पे उनका मज़ार है मलंग का। कौन है ये मलंग जो है? ये हाँ ये सूफी था, सूफी है। अच्छा कितने साल पुरानी है ये मलंग साहब की? ये तो हो गई देख लो कि आपको क्या बताऊँ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 ही पीढ़ी चल रही है। अच्छा आठ पीढ़ी हमारे बच्चों की लगती है। अच्छा अच्छा बच्चों के बच्चों। तो आप यहाँ पे खादिम है? आगे यहाँ के खादिम। अच्छा अच्छा, मैं अजमेर दरगाह शरीफ खादिम हूँ और मेरा ये चैनल है, ब्लॉग बनाता हूँ, वीडियोज़ बनाता हूँ मैं। जी जी भाई, चलिए शुक्रिया बहुत बहुत हज़रत। मेरा खादिम मोहम्मद चिश्ती के नाम से मेरे चैनल पर भी आ रहे हैं।
आपके 596 साल की उम्र। जी 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 हाँ हजरत बदरुद्दीन। हाँ दो जिंदा मलार। जी 596 साल की उनकी उम्र है। हाँ 1444 जी चिल्ले पूरी दुनिया के अंदर है। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है। 364 चिल्ले अपने हिंदुस्तान के अंदर। 364 माशाल्लाह। मखनपुर है जी कानपुर में। मखनपुर के अंदर 18 तारीख को सुबह ने चार बजे जी कुदरती वहाँ पे रहते हैं। कुदरती होता है। कुदरत क्या होता है। कुदरती कुदरती फूल होता है। अच्छा माशाल्लाह क्या बात है। चिंता करना। जी 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 क्या नाम है हजरत आपका। मेरा नाम मकबूल खान। मकबूल आप इधर ही रहते हैं। तो ये हजरत है मकबूल भाई। यहाँ पे आप लोग जब भी आएंगे यहाँ पे तो आप इनसे मिल सकते हैं। ठीक है हजरत बहुत बहुत शुक्रिया आपने इन्फॉर्मेशन दिया हमको। जज़ाकअल्लाह भाई। ओके भाई चलो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यारत करने आते हैं। जो लोग ऊपर तक नहीं चढ़ पाते जो ऊपर नहीं जा पाते तो यहाँ पे वो लोग ज़्यारत करके निकल जाते हैं। आप ऊपर गए हजरत। गए आप ऊपर जाके। हाँ तो जवान लोग जो है ज़्यादा ऊपर चढ़ जाते हैं। बाकी जो जैसे उम्र दराज लोग हैं वो थोड़ा उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल है ऊपर चढ़ना। और ये हमारे दानिश भाई है ओडिशा से। हमारे इनकी पहली मुलाकात हुई थी देख जब हमारी देख बनी थी छोटी देख तब अपनी मुलाकात हुई थी है ना। तो ये वो व्लॉग में है मेरे। ओला आप देख सकते हैं यहाँ पे मंज़र आज का माशाल्लाह मदार साहब का। और से मैंने आप लोग को पूरा रास्ता ऊपर तक जाने तक और नीचे आने तक का पूरा मैंने आप लोग को बताया। दम मदार और बाबा कैसे हो। अल्लाह करें मौला करें दमदार बेड़ा पार। दमदार बेड़ा पार चढ़े नहीं ऊपर। ऊपर उसी भी नहीं है दादा का झंडा हमने कल दिया है पैदल का। बेशक चले आए के झंडा दे के आए कल। एक और पेश कर दो कुछ अल्फाज मदार साहब के शान में। को हर साल लाते हैं मकनपुर बसी है। थोड़ा अलगा बात करते हैं आसान हो जाए फिर उसके बाद बात करेंगे। दीवाना बन के आते हैं लेकिन आसान हो रही है। जो लिखे जाते हैं कई टुकड़ा काते हैं दमदार मेरा पार। खाजा जी खुश रखे आपको। भैया हमको खुश रखे अल्लाह तुमको खुदा मेरे खाजा पी कितना देवे मेरे खाजा सरकार तुमको खून लगाए भरपूर ये देंगे दादा मदार देंगे हमको सब हरदम देते हैं हमारी डेली कभी खाली नहीं जाती। आमीन आमीन आमीन। आते हैं लेकिन भेज भर के जाते हैं। चलो बाबा चलो सलाम अलैकुम। हमारी भी विवाह करना दर्शन करेंगे करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों यहाँ पे जब मेला लगता है माशाल्लाह उर्स जब होता है मदार साहब का जो मदार टेकरी के नीचे जैसे आप लोग ऊपर देख सकते हैं वहाँ पे लाइट है। हम लोग वहाँ पे आप लोग को लेके गए थे ऊपर। अभी लाइटें लग गई हैं रास्ते में आने जाने के लिए। और ये जो मेला है पूरा मेला लगता है बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए बनाया हुआ है। तो सब जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे भी लेके आते हैं इस बहाने। मेरे प्यारे भाई और बहनों जैसे आप लोग को पता है मैंने आज के ब्लॉग में मैंने आप लोग को पूरा अजमेर शरीफ से आप लोग को डिगी बाजार से लेके यहाँ पे मदार टेकरी तक आने के लिए आपको पूरा रास्ता मैंने बताया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों इसी दौरान हमारी मुलाकात हमारे भाइयों से हुई। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से सबसे मिलके। और मेरे प्यारे भाई और बहनों मैं ऐसे ही ब्लॉग्स के साथ इंशाल्लाह मैं आप सबसे बहुत जल्द मिलूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा। मैं इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्द मिलूंगा। तब तक अस्सलाम वालेकुम।
खुफिया मानिल्ला।